दोस्तों, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनकी कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। ये एक्सीडेंट सुबह उस वक्त हुआ जब वो दिल्ली से नए साल मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान रुड़की बॉर्डर के पास दिल्ली देहरादून हाईवे पर ऋषभ पंत की गाड़ी का ये एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ऋषभ पंत भी काफी इंजर्ड हो गए हैं। खबर है कि उनके सर पर और घुटने पर ज्यादा चोटें हैं। सबसे पहले उन्हें रुड़की सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून रेफर कर दिया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है कि ऋषभ पंत जल्दी रिकवर करेंगे और जल्द ही मैदान में वापसी करेंगे।